हेलो गाइस, एक बार जरा आवाज चेक कर लेते हैं। हेलो, ओके, आवाज सब प्रॉपर आ रही है। केवल 1 मिनट का वेट करते हैं, देन अपना ये अच्छा सेशन स्टार्ट करते हैं। केवल 1 मिनट के अंदर स्टार्ट करते हैं गाइस। किसी को भी आवाज का कोई इश्यू आता है अगर, तो मुझसे चैट बॉक्स के अंदर चैट करके बता सकता है। ओके, थैंक यू अभिषेक जी, वॉइस इज क्लियर। हेलो, ओके, वॉइस इज क्लियर है। 1 मिनट, अभिषेक जी कह रहे हैं जब तक लोग जुड़े हुए नहीं हैं तब तक आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ बिल्कुल, पूछिए ना अभिषेक कुमार जी, पूछिए आप। अभी हम कम से कम अभी बस थोड़ी देर स्टार्ट करने वाले हैं, जब तक आप पूछिए। जब तक मैं एक बार डिस्क्लेमर को पढ़ लेता हूँ, लोग पूछते हैं कि सर ये क्यों लगाते हो। जब तक, चलो क्वेश्चन आ चुका है, पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। सर मैं अभी ट्रेडिंग में नया हूँ, मेरे को एडवांस लेवल तक समझना है एकदम। इस वीडियो की शुरुआत अगर इस चीज़ से होगी तो अच्छा ही होगा। ये सब हम क्यों कर रहे हैं, जो मैं आपको ये सिखा रहा हूँ, या कोई भी है, कोई कोर्स अपना सेल कर रहा है, या फिर आप भी हो, आप किसी का सेशन देख रहे हो, किसी का कोर्स ले रहे हो, तो ये सब क्यों कर रहे हो, ताकि आप एडवांस लेवल तक सीख पाए। पर बात सर ये आती है कि सही वे क्या है। हम कोर्स लेने को तो ले लें, 20 हजार रुपये का, 30 हजार रुपये का, क्या वो वैल्यूबल है? या फिर हम किसी का कोर्स क्या फिर ना लें, तो क्या फ्री में सब कुछ पॉसिबल है? नहीं है, ये बात आके दिमाग में अटक जाती है। तो बस मैं आपको एक बेस्ट स्टेटमेंट देता हूँ इस बात के लिए, अगर आपको बेसिक टू एडवांस लेवल सीखना है, ये मैं उनके लिए भी कह रहा हूँ जिनको कुछ नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, और ये बात मैं हर बार रिपीट करता हूँ, अगर आप एकदम न्यू हैं, तो बस आपको यूट्यूब पे सर्च कर लेना है बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट। फिर आपको पता लग जाएगा कि स्टॉक मार्केट के बेसिक्स क्या होते हैं। जब आप स्टॉक मार्केट के कुछ बेसिक को जानोगे, तो आपको पता लगेगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग में कोई चीज होती है। फिर आप सर्च करिए बेसिक ऑफ ऑप्शन ट्रेडिंग। तो जब आप दोनों टाइम ये सर्च करेंगे कि बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट, ऑप्शन ट्रेडिंग, तो आपको ना 10-12 बंदों के, 10-12 क्या, लगभग 20 बंदों के वीडियो शो होंगे, जिसमें से आपको केवल एक या दो पसंद करने हैं, जिसकी लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए। जिस बंदे की लैंग्वेज आपको समझ में आ जाए, तो उसी के ही वीडियो आपको देखना है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसका कोर्स ही बाय करने करके बैठ जाओ, बिल्कुल नहीं। जो बेसिक का सिखा रहा है यूट्यूब के ऊपर, तो उसके और भी वीडियोज तो पड़े होंगे जिसके बारे में वो और कुछ बता रहा होगा। तो अगर आप उसी के ही 15-20 वीडियो देख लेंगे जिसकी आपको लैंग्वेज समझ में आ रही है, तो काफी हद तक आपको समझ में आ जाएगा। अब बात आती है कि क्या एक दिन में ही सब देख लें? जी नहीं, आपको दिन का, अगर आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर तो आप कम से कम में आधा 1 घंटा निकालिए। आपके पास टाइम है 3-4 घंटे का, तो 3-4 घंटा दीजिए। जितना टाइम देंगे उतना अच्छा है, पर मैं एक एवरेज बताऊं तो आप 2 घंटा देखिए। 2 घंटा अगर आप देखते हैं, तो आपके दिमाग में कुछ आता भी है।
अगर आप 5 6 घंटे ही पढ़ाई करेंगे तो आपको कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि अभी आपको कुछ आता ही नहीं है, तो आप 5 6 घंटे देंगे तो आपके ऊपर से बात चली जाएगी। तो इसलिए 1 से 2 घंटा दीजिए डेली का, और इस काम को 1 महीना कीजिए। 1 महीने तक यूट्यूब पे फ्री वीडियोस देखिए, उसके बेस पे ही आप काफी कुछ सीख जाएंगे। ये तो बात हो गई बेसिक, आपको सारे बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, फिर एडवांस की तरफ सोचना। अब एडवांस कैसे आएगा आइए बताता हूँ आपको। एडवांस के लिए ना आपको क्या करना पड़ेगा, आपने जिसकी वीडियो देखी है आपको उससे कांटेक्ट करना पड़ेगा। अब सारी बात यहीं पे खड़ी हो जाती है कि जो आजकल लोग हैं यूट्यूब पे, वो वीडियो डाल लेते हैं पर वो आपसे बात नहीं करना चाहते, उनकी टीम आपसे बात करती है, या फिर वो खुद भी बात करते हैं तो वो 2 3 क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं, उसके बाद कहते हैं कि भैया हमारा कोर्स ले लो। बल्कि ऐसा नहीं होना चाहिए, बात ये होनी चाहिए कि उनको अच्छी तरह से गाइड करना चाहिए। वो आपकी वीडियोस को देख रहे हैं तो आप उनको गाइड करिए, अगर उनको कोर्स की नीड पड़ती है उसके बेस पे उनको कोर्स दीजिए, ना कि ऐसे ही कोर्स दे दीजिए। ये सब बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एडवांस लेवल तक सीख पाऊँ। तो फिलहाल मैं तो यही काम करता हूँ, मैंने यूट्यूब पे ऑलरेडी काफी वीडियो डाल रखी है, उसके आधार पे कोई मुझसे कहता है कि सर मेरे को इतना तो आ गया है पर इसके आगे नहीं आ पा रहा है, फिर मैं उसको कहता हूँ, क्या कहता हूँ सबको, कि अब आप करो पेपर ट्रेडिंग। जो हम ये सीख रहे हैं, क्यों सीख रहे हैं, ताकि हमें प्रिडिक्शन करनी आ जाए मार्केट के अंदर कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। अगर वो चीजें आपको थोड़े पर प्रेडिक्ट करनी आ चुकी है, एनालिस्ट करना आ चुका है, फिर आप पेपर ट्रेडिंग करिए। पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी उतना ही कैपिटल यूज करिए, मतलब कि वो तो वर्चुअल मनी होता है, रियल पैसा नहीं होता। पर लोग अक्सर गलती क्या करते हैं, उसके अंदर मतलब कि 10 लाख रुपए मिलते हैं ना वर्चुअल, एक फेक पैसा मिलता है, तो 10 का 10 लाख यूज कर लेते हैं, जबकि उनको पता है कि मेरे पास सही में इतना पैसा कभी नहीं आने वाला। तो जितना पैसा आपके पास भैया आने वाला है, जितने से आप स्टार्टिंग कर सकते हो, जैसे कि मैं था शुरुआत में, मेरे पास 25 30 हज़ार रुपये शुरुआत में लगाने को थे, तो पेपर ट्रेडिंग के अंदर भी आपको 25 30 हज़ार रुपये ही लगाने चाहिए। जितना आपको उम्मीद है कि मैं रियल ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता हूँ कितने रुपए से, उतने ही रुपए आपको पेपर ट्रेडिंग में यूज करना चाहिए, उससे आपका पहले से ही माइंडसेट क्लियर हो जाएगा। पेपर ट्रेडिंग करिए, जब पेपर ट्रेडिंग के अंदर आप प्रॉफिटेबल बनने लग जाओगे, जब आपको लगे कि आपकी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है, तब आप रियल ट्रेडिंग में आइए। अब बात यही आती है कि बेसिक को सीखने के बाद आपको अगर पेपर ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हो, तब आप किसी का कोर्स लीजिए, और कोर्स भी उनका लीजिएगा जो आपको सपोर्ट कर रहा है। ऐसा नहीं कि आपने 20 25 हज़ार रुपये फूक दिए और आपके पास ट्रेडिंग का भी पैसा नहीं बचा, बिल्कुल नहीं। ट्रेडिंग के अंदर केवल मैं मानता हूँ 5 हज़ार से लेकर 10 हज़ार रुपये तक का एक इन्वेस्टमेंट तो बनता है सीखने के लिए, उससे ऊपर तो जो बेच रहे हैं वो बेकार चीज है। चलिए ये बात हो गई कि एडवांस लेवल तक कैसे सीख सकते हैं। पहले बेसिक सीखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए, पेपर ट्रेडिंग करिए। अगर मजा नहीं आ रहा है पेपर ट्रेडिंग में, प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ पा रहा है, फिर आप किसी का कोर्स ले सकते हैं, मेरे से अकेडमी आप खोल ले सकते हैं, मेरा कोर्स देखिए यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसके बाद आपको समझ में नहीं आ पा रहा, व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करिए, हर मेरा व्हाट्सएप नंबर हर यूट्यूब के वीडियो के एंड और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आराम से उनसे कॉन्टैक्ट करिए बिल्कुल फ्री माइंड होके। पेपर ट्रेडिंग करने के लिए कुछ एप्लीकेशन बताइए। हाँ बताऊंगा सर, मैं आपको वीडियो के एंड में, इस सेशन के एंड में बताऊंगा। ओके फटाफट सेशन शुरू करते हैं। इस सेशन के अंदर केवल आपको ये बताऊंगा कि लेवल्स कैसे निकालते हैं, क्योंकि मैं तो सिंपल एकदम सिंपल स्ट्रेटजी पर काम करता हूँ, तो ओवरऑल हमें तो लेवल ही निकालना है, उन लेवल्स पर काम करना है। अगर आपको लास्ट सेशन ध्यान हो तो उसके अंदर हमने बताया था कि ये रेजिस्टेंस बड़ा अच्छा है, यहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया था, तो ये अच्छा रेजिस्टेंस है, और फ्राइडे को भी मार्केट यहीं पे आया, यहीं से आके मार्केट नीचे भी आ गया, तो ये लेवल बड़े इंपॉर्टेंट अभी बन जाता है। तो फिलहाल मार्केट ये बैंक निफ्टी बंद हुआ है यहाँ पर, ये आंकड़ा क्या है, 47,724 के आसपास का। तो मुझे इसका नियर जो जो सबसे पास का सपोर्ट है वो चाहिए, और जो सबसे दूर का रेजिस्टेंस, सबसे पास का रेजिस्टेंस सॉरी, तो वो चाहिए हमें। सपोर्ट रेजिस्टेंस का खेल है सारा, तो रेजिस्टेंस तो ये हो गया सबसे पास का। ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ से देखिए मार्केट ने पहले भी डाउनफॉल दिखाया था, और मार्केट फ्राइडे को भी इसके नीचे, मतलब कि इसके नीचे ही रहा, ऊपर नहीं जा पाया, तो ये लेवल बड़ा अच्छा है भाई। ऐसे ही सपोर्ट का देखते हैं एक बार, सपोर्ट के तौर पर ये देखिए मार्केट इसके नीचे नहीं आ पाया, इसके ऊपर ही ऊपर जा रहा है, तो ये एक अच्छा सपोर्ट हो गया। ऐसे ही एक ये सपोर्ट भी अच्छा है, और इसके बाद ये सपोर्ट भी काफी बेहतरीन है। तो ये तीन सपोर्ट मैंने फाइंड कर लिया है, 1 2 3। अब ऐसे ही मैं एक दो रेजिस्टेंस निकाल लेता हूँ, एक तो रेजिस्टेंस यही हो गया,
दूसरा रेजिस्टेंस बनेगा लगभग ये अच्छा रेजिस्टेंस बन जाएगा, और तीसरा रेजिस्टेंस मैं मान सकता हूँ क्या, ये अच्छा रेजिस्टेंस है। तो तीन रेजिस्टेंस, तीन सपोर्ट मैंने निकाल लिए हैं। अब एक बार देखना चाहूंगा मैं कि ग्लोबल मार्केट्स क्या कह रही हैं हमारी, ताकि मैं थोड़ा थोड़ा सा गैप अप का या गैप डाउन का अनुमान लगा पाऊं। ग्लोबल मार्केट्स, ये मनी कंट्रोल की वेबसाइट होती है, अगर आप गूगल पर सर्च करते हैं मनी कंट्रोल ग्लोबल मार्केट तो आपको आराम से शो हो जाएगा, पहले ही वेबसाइट आपको खुल के आ जाएगी। जैसे मैं खोल पा रहा हूँ ना एक बार क्लिक पे, वैसे ही आप खोल पाएंगे। खुल जा सिम सिम, तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ अपना यूएस मार्केट तो पॉजिटिव है, नेगेटिव नहीं है इतना, कोई दिक्कत नहीं है, पॉजिटिव मार्केट है। यूरोप का मार्केट भी पॉजिटिव है, और जीआईएफटी निफ्टी, ओ भाई साहब 337 पॉइंट पॉजिटिव है। मतलब समझते हैं आप, ये रेयर केस होते हैं, इसका मतलब ये है कि अच्छा खासा गैप अप खुल सकता है। ओके, तो मैं अब देख पा रहा हूँ कि अपना, देखिए चाइना का मार्केट अगर ये भी पॉजिटिव होता ना तो मुझे थोड़ा सा डाउट होता इस पे, और ये नेगेटिव है, बाकी सब भी पॉजिटिव है, और अपना जीआईएफटी निफ्टी भी पॉजिटिव है। इसका मतलब ये है अगर जीआईएफटी निफ्टी 337 पॉइंट अब खुल रहा है, तो निफ्टी भी अपना 337 पॉइंट के आसपास खुलेगा, और बैंक निफ्टी 500 पॉइंट प्लस गैप अप खुलने वाला है। ये बंद कहाँ पे हुआ है, 724 पे, तो 500 अंक गैप अप बहुत बड़ा होता है आंकड़ा भाई। लगभग ये खुलेगा 47,700 प्लस 500, 48,200 के आसपास ये खुल सकता है। 48,200 का मतलब ये है कि ये वाला लेवल टच करने ये आएगा ही आएगा। ओके, तो मतलब कि मार्केट, अगर हम तो इस रेंज की उम्मीद कर रहे थे कि इस रेंज के आसपास सपोर्ट रेजिस्टेंस ये दोनों हैं, पर मार्केट खुलेगा इस रेंज के अंदर, अगर अगर मार्केट इस रेंज के अंदर खुलता है तो फिर जरूर वो ऊपर की तरफ भागेगा, फिर वो जरूर एक बार ऊपर की तरफ भागेगा और इस लेवल को टच करने जरूर आएगा। और मैं कहता हूं कि मार्केट के लिए अगर इतना बड़ा गैप अप सही में खुलने वाला है, जैसे उम्मीद तो यही लग रही है, तो मार्केट चाहे यहाँ खुले, यहाँ खुले या फिर यहीं पे खुल जाए, आपके लिए मेन लेवल होना चाहिए 48,424। मतलब कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, एक बार दोबारा सुनिए एक बार ध्यान से, इतना बड़ा गैप अप खुलेगा, 500-600 अंक गैप अप खुलने वाला है, तो उसके बाद मार्केट के ऊपर जाने के चांस तो बहुत कम होते हैं। जब इतना बड़ा गैप अप खुलता है, ऊपर जाने के चांस कम होते हैं, तो मार्केट ट्रैप करने के लिए क्या कर सकता है, मान लो कि यहाँ खुल जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाके वो नीचे की तरफ आपको दे सकता आता हुआ, ऐसा ही होता 10 में से 8 बार। मार्केट ने गैप अप दिया, सबको ये बहम हो गया कि हाँ अब तो मार्केट पॉजिटिव है, नेगेटिव हो ही नहीं सकता, उसके बाद मार्केट थोड़ा सा ऊपर जाएगा, सबको ट्रैप करेगा, और ये लेवल जो आपको दिख रहा है, ये सबको दिख रहा होगा उस वक्त मतलब, तो सबको ये फील होगा कि भाई ये लेवल भी ब्रेक हो चुका है, गैप अप भी हो चुका है, तो वो इस लेवल तक तो टच करने आएगा, पर ऐसा नहीं होएगा। सबको ट्रैप करते हुए मार्केट जरूर नीचे आएगा और अपने गैप को फिल कर देगा, ये संभावना है 70 से 80%। परंतु क्या हो अगर मार्केट नीचे ही ना आए, फिर से ऊपर ही चला जाए, जो लोगों ने सोचा हुआ है वही हो, तो फिर आपको डबल कंफर्मेशन करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इस लेवल का वेट करना पड़ेगा। देखो मार्केट को ट्रेंडी होना है, अगर अगर साइडवेज होना है फिर तो कोई टेक्निक आपके काम नहीं कर सकती। मेरे पास साइडवेज मार्केट की भी स्ट्रेटजी है मेरे कोर्स में, पर फिलहाल तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो कि आप अपने आप कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मार्केट को ऊपर ट्रेंडी होके आना है तो कोई सा भी लेवल का वो सम्मान नहीं करने वाला, चाहे ये लेवल हो चाहे ये लेवल हो, तो इसलिए इस लेवल का ही आपको वेट करना चाहिए जो कि है 48,424। इसके ऊपर वो सस्टेन कर जाए एक बार, फिर आप एक बार को एक कॉल बाय मतलब कि ऊपर के साइड बाय कर सकते हैं। तो मेरे लिए ये एक रामबाण लेवल है। कौन सा लेवल वाला, गया मेरा ब्रश, ये लेवल मेरे लिए बड़ा अच्छा है, इसके ऊपर आना शुरू करेगा तभी मैं यहाँ पे एक ऊपर के साइड अपना व्यू बनाऊंगा। अब बात करें डाउन साइड की, डाउन साइड की संभावनाएं क्या क्या हैं, तो मार्केट तो गैप अप खुलने वाला है, ये बात तय है, चाहे इस रेंज में यहाँ पे खुले, वैसे तो मैं यहाँ पे ही कह रहा हूँ 500 अंक खुलेगा, मान लो कि 200 अंक ही खुलता है तब भी वो यहाँ पे खुलेगा ही खुलेगा, तो मार्केट के जब नीचे आने के चांस तभी होंगे जब वो इस प्रकार से ऊपर जाए, और ऊपर जाने के बाद अपने डे के लो को ब्रेक करता वो नीचे आए, तभी आपके बात बनेगी।
जब भी डे का लो ब्रेक होए तो आपको काम करना है। अगर खुलते के साथ ही नीचे आना स्टार्ट कर दे, ये भी कंडीशन हो सकती है, मान लो कि यहाँ पे खुल गया मार्केट और नीचे आना स्टार्ट कर रहा है इस प्रकार से, वो ऊपर आपको दिख नहीं रहा ऊपर आते हुए, तब आपको वेट करना है इस लेवल का जो ये आज के डे का फ्राइडे के डे का हाई है ना, अगर इसके नीचे आना ही शुरू कर देता है तो ये आपके लिए हो जाएगा प्लस पॉइंट, क्योंकि इतना बड़ा गैप अप होने के बाद अगर ये इतनी जल्दी अपने गैप को फिल कर देता है तो ये नेगेटिव न्यूज़ है, फिर वो अपने इस लेवल को टच करने जरूर आएगा। तो आपको यहाँ से यहाँ तक का बेनिफिट मिल सकता है जो कि लगभग 300 पॉइंट का है, 300 पॉइंट का बेनिफिट आप ले सकते हैं। तो मैंने आपको बताया दो कंडीशन, गैप अप तो खुलने वाला है, इस बात को मैं बिल्कुल झुगला नहीं रहा हूँ, गैप डाउन नहीं खुलेगा, गैप अप ही खुलने वाला है। और भैया 1% नहीं खुलता तो भैया मेरे को कल मत भगना बिल्कुल भी, ठीक है? तो यहाँ पर गैप अप खुलेगा, मार्केट गैप अप खुलने के बाद ऊपर जाएगा देन नीचे आएगा, ये संभावना है 70 से 80% की है। नीचे आएगा, डे का लो ब्रेक करेगा, देन आपको एंट्री कर लेनी है, ठीक है? तो ये आपका डाउन साइड मिल जाएगा। और दूसरी कंडीशन क्या बताई मैंने, अगर मार्केट यहाँ पे लगातार ही नीचे आना स्टार्ट कर देता है तब आपको इस लेवल का वेट करना है, लगातार नीचे आने पे ही इस लेवल का वेट करना है। अगर मार्केट ऊपर जाके ट्रैप करता हुआ नीचे आता है तब आपको डे का लो जो भी होगा उस वक्त का आपको वहां पर ट्रेड कर लेना है, क्लियर? और ऊपर जाने के लिए आपको किस चीज का वेट करना पड़ेगा, केवल और केवल इस लेवल का जो कि है ये 48,424। तो ये थी अपडेट्स बेनिफिटी के बारे में। अब इसके लिए आपको कोई क्वेश्चन हो या फिर कोई आपका और क्वेश्चन हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, अब आप फ्री हैं। और पेपर ट्रेडिंग के लिए ऐप पूछे थे आप सर, तो पेपर ट्रेडिंग के लिए एक तो होती है नियो स्टॉक्स, मेरे को नाम पक्का ध्यान नहीं आ रहा, 1 मिनट रुकिए, सबसे बढ़िया ऐप है मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकिए। सबसे बढ़िया ऐप रहेगी आपके लिए नियो, हाँ जी ये देखो नाम आ गया, नियो स्टॉक्स पेपर ट्रेडिंग ऐप ये नाम होता है, इसको आप लिख लीजिए, ये प्ले स्टोर पर मिल जाएगी, प्ले स्टोर पर नहीं मिलती तो गूगल पे आपको मिल जाएगी, तो इसका APK आप डाउनलोड कर सकते हैं, ये अच्छी ऐप है। और सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है फ्रंट पेज पेपर, देखिए नाम भी आ गया इसका, फ्रंट पेज पेपर ट्रेडिंग ऐप APK। तो इसको आप आराम से गूगल पे से गूगल प्ले स्टोर पे से या ऐप स्टोर पे से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। ओके तो ये बात हुई पेपर ट्रेडिंग ऐप की, किसी का कोई और क्वेश्चन? 3,50,000 का लॉस हो गया है सर, कैसे कवर करूं? बड़ा ही भयंकर लॉस है जी। देखिए ऐसी कंडीशन में आप ये पूछ पा रहे हैं मैं आपको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि अक्सर क्या होता है इतना पैसा लॉस करने के बाद भी ना लोग क्या करते हैं, पैसे पे पैसा लोन लेते हैं और किसी को बताते भी नहीं है और बस गैम्बलिंग ही करते रहते हैं, और ऐसे ही उनका आराम से 10-20 लाख तक का लॉस पहुंच जाता है। तो जिसका अच्छा 40,000 का लॉस भी है, ओके अच्छी बात है आप सब ना डिस्कस कर पा रहे हैं मुझसे। हाँ सो हम बात कर रहे थे कि चाहे आपका लॉस 40 का हो चाहे 3.5 का हो, आप सब डिस्कस कर पा रहे हैं कि आपका लॉस हुआ है तो सबसे बेहतरीन बात तो यही है, वरना अक्सर लोग इस बात को डिस्कस नहीं कर पाते हैं। तो ये कवर कैसे किया जाए इसकी बात आती है, तो लोग जो ध्यान नहीं देते हैं वो नहीं देते हैं अपनी लर्निंग पे। खैर ये तो किताबी बातें हैं कि भाई पहले लर्निंग करो फिर अर्निंग करो, इतना वेट ना हर कोई कर नहीं पाता है। तो फिलहाल जो मेरे पास उपाय है वो ये हो सकता है कि आप कॉपी ट्रेडिंग के अंदर शामिल हो जाइए जिनका लॉस हुआ हुआ है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप मेरे पास ही ज्वाइन होइए, अगर आपको खुद से करना है तो सीखना पड़ेगा, फिर तो आपको ये किताबी बातें ध्यान करनी पड़ेंगी। पर अगर आपको चाहिए कि भाई जो मेरी ट्रेड है, और मैं आपको क्लियर कर देता हूँ हमारी ट्रेड्स में ये बिल्कुल नहीं होता कि भाई बहुत अच्छा ही प्रॉफिट हो रहा है,
इलाकों में प्रॉफिट हो रहा है, 10 से 15% का प्रॉफिट मैं एवरेज बुक करता हूँ मंथ का, और वो भी कभी कभी आ नहीं पाता है किसी महीने, मान लो कि साइडवेज महीने चला गया तो वो प्रॉफिट महीने के में एंड में नहीं आ पाता है, तो 10 से 15% का लॉस, ओ सॉरी, प्रॉफिट हमारा महीने का आता है। तो उतना सोच के आप चलिए, तो आप हमारे पास ज्वाइन कर सकते हैं। अगर खुद सीखना है तो ये बेस्ट वे है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आराम से मेरे को ज्वाइन करके रखिए, फ्री ऑफ कोर्स भी सीख सकते हैं या फिर हमारा प्रीमियम कोर्स भी ले सकते हैं। तो यही बात है जी, आपकी टीम, आपका टीम कोई टीम है, समझा नहीं सेनापति जी क्या बोल रहे हैं। कल क्लास होगा? कल क्लास नहीं होगा सर, ये वीक में मैं एक या दो बार ही क्लास लेता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं किसी और का। आप अकेले हो सर? नहीं, हमारी टीम काम करती है, मार्केटिंग की अलग टीम है। टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें? ओके, क्वेश्चन है आपका ये, टेक्निकल एनालिसिस कैसे करें? हाँ तो सर, ये टेक्निकल एनालिसिस तो है, मैंने क्या चीज़ देखी, लेवल कौन सा पास पास में है, यहाँ पे मार्केट बंद हुआ उसके ऊपर के 3 रजिस्टेंस निकाल लिए। एक मिनट में इन सबको ना हटा देता हूँ। ओके, तो मैंने क्या किया, जहाँ पे मार्केट बंद हुआ था उसके ऊपर के 3 रजिस्टेंस निकाल लिए, 1 2 3, ऐसे ही डाउन साइड के 3 सपोर्ट निकाल लिए, 1 2 3, और ये ग्लोबल मार्केट को देखते हुए कैलकुलेशन कर ली कि भाई मार्केट कहाँ खुल सकता है। तो फिर मैंने आपको संभावना बता दी, ये संभावना है मैंने कैसे बताई, ये तो देखो एक्सपीरियंस से आती है। अब आपने मुझसे देखा कि भाई बड़ा गैप अप होता है, तो इस प्रकार से एक ट्रैप बन सकता है, ऊपर जाएगा मार्केट, सब कहेंगे कि भाई ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, पर मार्केट नीचे आने की संभावना ज्यादा है। पर मार्केट नीचे नहीं आता, मान लो ऊपर ही निकलता है, तो आपको एक सबसे सुप्रीम लेवल रेजिस्टेंस का तोड़ने का ब्रेक करना वेट करना पड़ता है। जब वो सुप्रीम रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाता है फिर गैप अप के बाद भी मार्केट ऊपर जा सकता है। तो ये सब बातें आपने सीखी, नोट डाउन करी, तो आपको सीखने को मिलेगा। जब यही बातें मैं अपने प्रीमियम जगह लेके जाता हूँ तो वो सब बातें आपको 30 या 30 दिन में या 2 महीने लग जाती हैं, सिंपल होता है। कौन कौन से ऐप पेपर ट्रेडिंग के लिए अच्छा है? मैंने अभी अभी 2 ट्रेडिंग ऐप के नाम आपको बताए थे, तो एक तो फ्रंट पेज की ऐप है, फ्रंट पेज, इसका नाम देखो मैं लिखा हुआ भी अभी यहाँ पे, ये फ्रंट पेज ट्रेडिंग ऐप, ये सबसे बढ़िया है, इसको आप यूज करिए। अच्छा मूव कब आ सकता है? अभी तो ओनली SL, आपको तो अपने स्ट्रेटजी पे अडिग रहना है, हमको नहीं पता होता। जैसे कि देखिए ये मार्केट अभी साइडवेज चला, यहाँ पे ये मार्केट साइडवेज चला, हम ये देखिए मार्केट जब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ सबको यही लगा कि मार्केट अब बहुत नीचे आने वाला है, पर यहाँ पे क्या हुआ, एकदम से मार्केट ऊपर आके क्लोज हो गया, तो ये धोखा हो गया। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, आपको ट्रेड करना है, ट्रेड करना आपका काम है, मार्केट नीचे आया आपने ट्रेड कर लिया, अब वो नीचे नहीं आ पाया तो आपने अपना जो स्टॉप लॉस है वो दे दिया। दिक्कत जब आती है जब आप स्टॉप लॉस बड़ा देना शुरू कर देते हैं और टारगेट छोटा देना स्टार्ट कर देते हैं। लोग यही करते हैं, स्टॉप लॉस के लिए वेट कर लेते हैं, मान लो कि यहाँ पर मार्केट आया और उनको दिख रहा है कि भाई थोड़ा सा प्रॉफिट मिल रहा है, मान लो कि उन्होंने सोचा कि, किसी ने भी सोचा कि 10,000 रुपये का टारगेट लूंगा और स्टॉप लॉस जाएगा केवल 3,000 रुपये का, तो मैं निकल जाऊंगा।
यहाँ पर आते आते उनका 2,000 रुपये का प्रॉफिट दिख रहा है, अच्छी बात है, पर उनको 10 तक का वेट करना है, 2,000 रुपये तक का। अब मार्केट हो गया रिवर्स, तो उनका लॉस जो 3,000 रुपये था वो पहुंच गया, तो यहाँ पर निकलते नहीं है, उनको विश्वास ही नहीं हो पाता कि यार मैं तो 2 का प्रॉफिट चल रहा था, अब 3 का लॉस हो गया, तो मैं कैसे निकल जाऊं, मैं वेट कर लेता हूँ। फिर देखिए मार्केट को वो होल्ड कर लेते हैं ऐसे करके, तो उनका जो 3 का लॉस चल रहा था, अगर वो उस पर निकल जाते तो ये उनका 10 या 20 का लॉस बन जाता है। और फिर जब प्रॉफिट की बारी आती है तो फिर वो 10 तक का वेट ही नहीं करते हैं, वो सोचते हैं कि फिर से मार्केट ऊपर मतलब कि नेगेटिव चला गया तो उनका ये प्रॉफिट निकल जाएगा, फिर वो कम कम प्रॉफिट बुक करने लग जाते हैं। जरूरी नहीं है कि आपको ये सब चीजें एक दो बार में ही होने लग जाए, हो सकता है कि आप 5-6 बार फिर डिसिप्लिन दिखाएं, उसके बाद आप फिर लॉस कर, ये जो तरीका मैं बता रहा हूँ मतलब कि ये जो एक पागलपन होता है वो आप करने लग जाए 5-6 डिसिप्लिन ट्रेड्स के बाद, तो आपको हर टाइम डिसिप्लिन दिखाना ही होता है। बस अपने रूल्स पे फॉलो करिए, रिस्ट रेशियो पे काम करिए, बस बात खत्म। अच्छा मूव तो देखो जब आएगा आएगा, वो आपके हाथ में नहीं है, आपको बस ट्रेड करना है, स्टॉप लॉस छोटा टारगेट बड़ा बस। अगर इतनी प्रेडिक्शन कोई कर पाता कि कब बड़ा मूव आने वाला है तो शायद सभी अमीर बन जाते, पर सब अमीर बन नहीं पाते हैं भाई, क्या करें। जब ट्रेडिंग के अंदर आए हो तो लॉस भी होना है प्रॉफिट भी होना है, बस लॉस छोटा रखिए प्रॉफिट बड़ा रखिए। किसी और कोई क्वेश्चन है? मोहम्मद या मुजामिल जी कह रहे हैं सर वॉइस क्लियर नहीं आ पा रही है। आई थिंक सबको क्लियर आ रही होगी वॉइस क्लियर, तो एक बार आप 2-3 बार आप क्या करिए, एक बार एडिट करिए फिर दोबारा एंट्री करिए, आई थिंक आपका नेट कनेक्शन में दिक्कत हो सकती है थोड़ी, क्योंकि अभी तक किसी और का मैसेज नहीं आ पाया है, ऐसा मैसेज किसी का नहीं आया कि वॉइस क्लियर नहीं आ रही, एकदम क्लियर वॉइस आ रही आई थिंक। उत्तम जी कह रहे हैं सर आप अच्छे मोटिवेटर हो, थैंक यू भाई थैंक यू, मोटिवेटर नहीं जो असलियत है वो बता रहा हूँ बस। ओके तो आपका कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम इसको फिर क्लोज कर देते हैं, आज का सेशन भी काफ़ी अच्छा रहा, वैसे हमें अच्छा लगता है जब आप अपने क्वेश्चन हमसे पूछते हैं, फिर हम उन पर काम भी करते हैं, कोई कोई सजेशन आपका ऐसा आता है जो कि हमें अच्छा लगता है, या कोई क्वेश्चन ऐसा आता है जिसको हम सोचते हैं कि हाँ और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो मैं उस पर फिर वीडियो की भी तैयारी करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। सर कैंडलस्टिक कैसे समझें? सिंपल ही होता है, वैसे तो आप सबने काफी कुछ पढ़ ही रखा होगा, पर फिर भी जैसे कि ये देखिए मैं दिखाता हूँ आपको 1 डे कैंडल चार्ट पे, जब मार्केट देखिए यहाँ पे आया था तो मैंने आपको बताया था कि ये बनी है डोजी कैंडल, डोजी कैंडल का मतलब ये होता है, ये मैं नहीं कह रहा, ये पहले से ही एक तरह से स्टडी बनी हुई है कि जब एक अप ट्रेंड चल रहा हो या डाउन ट्रेंड चल रहा हो उस ट्रेंड के बीच में एक ऐसी कैंडल बन जाती है, डोजी कैंडल बन जाती है, तो मार्केट के रिवर्स करने के चांसेस हो जाते हैं। तो यह मार्केट जब यहाँ पे आया था तो मैंने कहा था कि यहाँ से मार्केट के रिवर्स होने के चांस हैं, तो मार्केट नीचे आ गया, और यहाँ पर एक और पैटर्न बनना है जिसको कहते हैं मॉर्निंग ओ सॉरी इवनिंग स्टार, तो ये सब पैटर्न्स होते हैं, जब पैटर्न्स काम जब आप सीख लेते हैं तो आपको फिर आराम से ये आइडिया लग जाता है कि अब क्या हो सकता है। जैसे कि ये एक जो पैटर्न होता है ये होता है डाउन साइड के लिए, एक ये ऐसी कैंडल बनती है, इसके बाद ये बनती है और ये बनती है, तो आपको कैंडल स्टिक का बिहेवियर चेक करना पड़ता ही है।
अब जैसे कि यहाँ देखिए, ये बनी एक अच्छी खासी बॉडी वाली कैंडल, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो स्ट्रॉन्ग कैंडल है। अगर ये इस प्रकार की एक कैंडल बनाता है तो ये पहले ही देख पा रहा है कि इसमें जान ही नहीं है। तो यहाँ पर देख जाता है कि मार्केट ऊपर आ रहा था, अब एक कमजोर कैंडल बन चुकी है, तो मार्केट के अब नीचे आने का चांस ज्यादा है। जब मार्केट इस प्रकार से डोजी कैंडल बनाता है जो कि कमजोर कैंडल होती है, फिर इसके बाद एक रेड कैंडल बनती है, तो ये तीन कैंडल मिला के बनता है इवनिंग स्टार, तो एक और कंफर्मेशन हो गई। फिर मार्केट ने इसके लो को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया, तो तब से ही मार्केट नेगेटिव चल रहा था, अभी कुछ दिन से पॉजिटिव हुआ है। तो ये सब पहचान अपने आप हो जाती है जब आप काम करते हैं तब। सर रिकॉर्डिंग मिल जाएगा क्या? हाँ बिल्कुल मिलेगा, इसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा सर, यूट्यूब पे मिल जाएगा। जहाँ पर आपने ये सेशन को ज्वाइन किया है वहीं पर मैं लिंक भी पोस्ट कर दूंगा यूट्यूब की वीडियो का कुछ देर के अंदर। किसी और एक क्वेश्चन है? वैसे इस सेशन के अलावा जब भी आपको कोई क्वेश्चन बनता हो तो आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे अपना कोई भी क्वेश्चन, कोई भी ऐसा कोई आपका डिस्कशन हो जो मुझे आपको मुझसे करना हो तो कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट। RSI क्या होता है? इंडिकेटर होता है। आप कहोगे सर हमें बता है क्या होता है RSI? मैं इंडिकेटर का यूज करता नहीं हूँ गाइस, ज्यादातर नहीं करता। बस ये होता है RSI का मतलब कि जब वो उसका एक वैल्यू होती है, अगर वो 70 से ऊपर निकलता है, उसकी जो वैल्यू रहती है वो लगभग 20 से शायद 100 तक रहती है, 20 to 100 RSI की वैल्यू रहती है। पर जब वो 70 से ऊपर निकलना स्टार्ट करता है तो उसका मतलब ये होता है कि वो मार्केट अभी बहुत ऊपर आ चुका है, अब नीचे आने का चांस ज़्यादा है। और ऐसे ही जब RSI की वैल्यू 30 के नीचे आने शुरू करती है तो उसका मतलब ये होता है कि मार्केट काफ़ी नीचे आ चुका है। तो बस 30 के नीचे मतलब ये होता है कि भाई अब नीचे बाय नहीं करना है, नीचे काफी आ चुका है, तो इससे ये साइन होते हैं बस, और कुछ नहीं। ओके, तो मैं ये सेशन क्लोज करता हूँ भाई। आप सबने मेरा व्हाट्सएप नंबर देख ही लिया है, कोई भी क्वेरी हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आप सबने अपना कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।